रेस पढ़ना शुरू होगा। 18.3 हो गया, अब शुरू हुआ टेस्ट। भाई घुटनों पे हाथ लग चुके हैं भाई, बहुत मुश्किल है। गाइस वेलकम टू अ न्यू वीडियो, और डेविड गॉगिंस का चैलेंज सक्सेसफुली फेल करने के बाद हम लोग खड़े हैं आज इस टर्फ में एक यो यो टेस्ट देने के लिए। और अगर आपने डेविड गॉगिंस वाली मेरी वीडियो नहीं देखी तो ये आई बटन में आ रही है, पहले जाके उसको देखो। और अगर मैं आपको यो यो टेस्ट के बारे में बताऊं तो यो यो टेस्ट एक कंपलसरी फिटनेस टेस्ट है जो कि हर प्लेयर को देना पड़ता है अगर उसको इंडियन क्रिकेट टीम या कोई भी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करना है। और आपने ये नाम काफी बार सुना होगा कि इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर एक यो यो फिटनेस टेस्ट दे रहे हैं, तो ये टेस्ट वही है। और अगर मैं आपको इस टेस्ट के बारे में और बताऊं तो ये टेस्ट ऑस्ट्रेलियन टीम ने पहली बार स्टार्ट किया था। और अगर इंडियन टीम का मैं आपको क्वालिफाइंग स्कोर बताऊं तो वो है 16.1, अगर आप उसके नीचे आते हो तो आप खत्म यो यो टेस्ट फेल कर जाते हो। और आयरनी ये है कि जिस कंट्री के प्लेयर सबसे ज्यादा अनफिट है उन्होंने अपना टेस्ट का नंबर रखा हुआ है 17, जो कि पाकिस्तान है। और सबसे ज्यादा मैं बताऊं आपको तो न्यूजीलैंड है जिन्होंने अपना रखा है 20। तो आइए देखते हैं कितना मुश्किल होने वाला है टेस्ट। और मैं आपको पहले इसके रूल्स बता देता हूँ कि कैसे ये टेस्ट हम देने वाले हैं। तो गाइस हमें बताता हूँ आपको ये टेस्ट करना है कैसे। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाके यो यो इंटरमीडिएट टेस्ट, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, पुराना फोन है तो ये डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो यो यो टेस्ट बेसिकली एक बीप टेस्ट है। अगर हम दिखाएं आपको तो हमने पॉइंट ए वो रहा जो हमारा पहला कोन है वहां पर हमने पॉइंट ए रखा है और ये पॉइंट बी है, इन दोनों का डिस्टेंस है 20 मीटर, ठीक है। तो पहली बीप बजेगी आप वहां से भागना शुरू करोगे पॉइंट ए से, और जब दूसरी बीप बजेगी तो आपको पॉइंट बी में किसी भी हालत में होना है, ठीक है। और फिर आपको वापस पॉइंट ए में जाना है, ये आपका एक सेट खत्म हुआ, ठीक है। और फिर आप लोगे 10 सेकंड का ब्रीदर, जो हमने वो दो कोन रखे इसके बीच में आप वॉक करोगे और फिर आपको ये टेस्ट वापस से स्टार्ट करना है। तो ये टेस्ट स्टार्ट होगा 5 से, ठीक है, और हमें देखना हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। कहाँ तक पहुँचेंगे? तो मैंने कुछ स्टैंडर्ड्स निकाले थे, सबसे पहले मैंने रखा है रोहित शर्मा भाई, ठीक है, जो अपने आपको बोलते हैं ना कि हम लोग फिट हैं। एक बार रोहित शर्मा से कंपेयर कर लेना, 16.1 इंडिया का क्वालिफाइंग टाइम है उसका, 16.2 आया था तो बंदा पास था। दूसरा हमने रखा है विराट कोहली को, शायद उसका इस साल का 17.1 है। और तीसरा स्टैंडर्ड है अपने आइडल का क्रिस्टियानो, तो उसका 21.8। तो ये तीन लेवल हो गए, एक तो हो गया अपना बेसिक, एक इंटरमीडिएट और एक एडवांस। तो हम देखते हैं हम कहां तक पहुंच पाते हैं। लेट्स गो। 5, 4, 3, 2, 1 फैंस आ रखे तेरे, तेरे फैंस आ रखे, क्या बोले ट्रू फैंस। बीच में रखा तेरे लिए, ये तो मोटिवेशन है, तू सोच कोई भी कर लेगा, इस समय बिना कुछ किया था। पावर ऑफ हो चुका है, ब्लूटूथ ऑफ हो गया, उसको छोड़ दे। असल आवाज कैसे आएगी बीप की, वो मैं कर लूंगा। क्षेत्र इसको इसको सही रख दियो, नहीं आ रही यार, तू अपने जेब में लेके हूँ। टाइम मिस हो रहा है, ठीक चल रहा है अभी भी, 15 आ जाएगा लगता है। ओ भाई भाग नहीं जा रहा। क्या कहना चाहेगा? 15.3 भाई। माइंड में क्या चल रहा है? लेट्स गो फॉर 16। इन माय माइंड आई एम ऑलवेज द बेस्ट। रोहित शर्मा से क्या कहना चाहेगा भाई? रिस्पेक्ट है। आई एम कमिंग बॉल।
क्या क्या रोहित शर्मा से? आई एम कमिंग फॉर यू रोहित शर्मा। वापस ऑन करा दिया तेरे लिए। 15.7 दिल्ली अभी दूर है, चेन्नई जाएंगे भाई। हो गया। गाइस स्कोर अपडेट इफ इट इज विजिबल 16.6 हो गया है। कप्तान साहब को बीट कर दिया है हमारे 16.6। विराट कोहली आ रहा हूं। याद रखियो क्रैम्स पैरों में पड़ते, दिमाग में नहीं, तो दिमाग से भाग रहा है। हो गया, छोड़ना नहीं है, बस चलते रहे जब तक गिर ना जाए। गिर दियो ग्राउंड में, रुकियो मत। इन द माइंड गाइस घुटनों पे हाथ लग चुके हैं। शुभमन गिल को हरा दिया। कमेंट में शुभमन गिल को टैग करते हैं। नाइनटीन कम ऑन, बस 19 आगे 19.1 बस गाइस 19। क्या कहना चाहेगा 19 पे? भाई बहुत मुश्किल है रोहित शर्मा के लिए, भाई रिस्पेक्ट है कसम से बोल रहे हैं। 16 में भी बहुत मुश्किल है, पर हमारा ये था कि हमें विराट कोहली और शुभमन गिल को जज करना था। रोनाल्डो को करेंगे अगली बार। क्रिस्टियानो के लिए क्या कहना चाहेगा? नेक्स्ट टाइम ट्राई करके देखना, जिनको भी लग रहा है। 19.1 था मेरा स्कोर, और ये साले चैलेंज कर रहे हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, लिम्का स्पोर्ट चैलेंज। भाई ये नाम का यूरो टेस्ट कर रहे हैं, असली टेस्ट ये है, ये करो फिर पता लगेगा। सालों ने दो बोतलें रख दी और उसके बीच में भाग रहे हैं शटर रनिंग की तरह। ये जो बीच का गैप है ना, उसमें फट रही है। ठीक है ब्लॉग ख़त्म करके फिर बात करता हूँ आपसे, थोड़ी रेस्ट करके, बहुत ज़्यादा फटी है। ओह गाइस साइनिंग ऑफ। बंद कर दूँ? कैसा भागा मैं? इनसे पूछ, इनसे पूछ। रुक जा, अंडर राउंड से पूछ। चल आ जा आप फैंस से एक बार पूछ लेते हैं। नाम क्या दिया? खान राउंड कैसा भागा फिर? बढ़िया। सही भागे, हो जाएगी सिलेक्शन, हो जाएगी। एक चीज बता दो, धूप कितनी हो रही है एक बार बता दे। धूप तो बहुत हो रही है। 9-10 बजे का टाइम है और अब सूरज एकदम सर पे है।
पर इस बार कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये तो अचीवेबल स्कोर है, 1911 टैग करो फिर मुझे, सॉरी कंप्लीट करो फिर मुझे टैग करो। और भाई इसके अलावा भी कोई चैलेंज है तो इंस्टाग्राम मेरे को आपको बताइए, सॉरी मेरे इंस्टाग्राम को बताइए, मुझे बताओ आपको दिखी रही हालत, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ भाई अगला चैलेंज कौन सा करना है। सारे चैलेंज करने हैं भाई मेरे को। तो आज क्या बोलेगा, सक्सेसफुली फेल्ड या फिर? आज मैं खुश हूँ भाई अपने एफर्ट से। उस टाइम तो ये था कि छोड़ ही देता, 16 पॉइंट इंडियन टीम में आ गया ना भाई, बस पाकिस्तान टीम में भी आ गए, न्यूजीलैंड टीम में नहीं आना क्योंकि साली न्यूजीलैंड टीम आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीती। ये हुई ना बात, इस बार फिर ICC कौन जीतेगा? इस बार हम सपोर्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बॉयज प्लेड वेल, लेट्स गो गाइस।